रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। विश्व योग दिवस के अवसर पर सुजानपुर में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने सैकड़ों छात्रों और लोगों के साथ योग दिवस मनाया। योग दिवस पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि योग और आयुर्वेदा देश की पुरानी पद्धति रही है, जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। धूमल ने कहा कि हर इंसान को योग करना चाहिए ताकि शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। विश्व योग दिवस के अवसर पर सुजानपुर में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने सैकड़ों छात्रों और लोगों के साथ योग दिवस मनाया। योग दिवस पर पूर्व सीएम धूमल ने कहा कि योग और आयुर्वेदा देश की पुरानी पद्धति रही है, जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। श्री श्री रविशंकर जी महाराज इसी मैदान में पधारे थे और हमने योग दिवस मनाया था। आज जब सारा विश्व योग दिवस मना रहा है, उसका श्रेय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने राष्ट्र संघ में इस बात को उठाया और उनका प्रस्ताव 90 दिन के अंदर 170 देशों ने स्वीकार कर लिया। आज केवल भारत ही नहीं मनाता योग दिवस, सारा विश्व मनाता है। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। हमें मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए इसकी आवश्यकता प्रत्येक इंसान को है। सबको मिलकर योग दिवस मनाना चाहिए। योग और आयुर्वेद दोनों भारतीय संस्कृति के हिस्सा हैं। तो आज ऐतिहासिक मैदान में हम सब सुजानपुर के चौगान में योग दिवस मना रहे हैं। आप सबका स्वागत भी है और विश्व भर के लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। स्वस्थ रहें मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर और सारा विश्व एक होकर आगे बढ़े, यही भारत की हमेशा कल्पना रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप सबके आने के लिए आपका स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद। धूमल ने कहा कि हर इंसान को योग करना चाहिए ताकि शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। धूमल ने कहा कि योग मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ रहने की हर किसी को आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज योग दिवस पर लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हर दिन योग करेंगे। धूमल ने कहा कि योग दिवस पर इससे पहले भी सुजानपुर में विशाल कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों को प्रेरित किया जा चुका है। जो मामला उठाया और योग के महत्व को लेकर जो चर्चा वहाँ की, उनके प्रस्ताव को 90 दिनों के अंदर स्वीकृत कर लिया गया, 170 देशों ने उसे स्वीकार किया। आज ये पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दुनिया को जोड़ता है। योग हमारा पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। पतंजलि महर्षि के साथ शुरू हुआ और हम भूल गए थे, फिर से इसको याद दिलाकर अनेकों महानुभूतियों ने अपना योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए और आज सारा विश्व ये मानता है कि स्वास्थ्य के लिए मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के लिए ये आवश्यक है। सारे विश्व भर के लोग योग दिवस मनाते हैं। इस शुभ अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। पे और आध्यात्मिक तौर पे भी सचेत रहने के लिए योग अत्यंत आवश्यक है। इसे अपने साथ जीवन पर दिनचर्या में जोड़िए, योग करिए, स्वस्थ रहिए और समाज के लिए, अच्छे समाज के लिए योगदान कीजिए। सबके साथ चलिए।